मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में यूरिया खाद को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी खाद नहीं मिल पा रही। जिला कलेक्टर उज्जैन जिले में पर्याप्त खाद होने का बात कर रहे हैं। अब तक उज्जैन जिले में 30,000 मैट्रिक टन खाद मिली है, वहीं 27,000 मैट्रिक टन का वितरण किया गया है। उज्जैन की कई सोसाइटियों में भी खाद की आपूर्ति भरपूर बताई जा रही है। यहाँ भीड़ बढ़ा चली रहा सर, और टोकन दिवाती टोकन हवे न मिल गया था। अभी लाइन में उबा कितने बोरी दे रहे हैं, कितने बीघा पे? चार कितने बीघा पे? 10 बीघा पे। 10 बीघा 20 बीघा तो जरूरत कितनी है तुमको? 10 एक बीघा एक बोरी चाह है तो 10 बोरी जरूरत है। चार दे रहा बस, ये जो लिखी दे दी जो सही हम कहीं कहा चार ही मिले। हम खाद के लिए आए सर, पहले तो हमने माल बेचा, वहाँ माल की गाड़ी लाए तो वहाँ खड़ी करी। इसके बाद हमने नंबर लगाया कि वो लाना पड़ेगा, आधार कार्ड लाना पड़ेगा, जिसके बाद वो पावती भी लाना पड़ेगी और नया लाइन भी लगना पड़ेगा। और तो हम सुबह से आके खड़े हैं, अब वो लाइन लगती गई और वो टोकन बांट रहे। कल का एक दिन एडवांस टोकन देते हैं, फिर दूसरे दिन माल देते हैं और उस पर और बता रहा। अब क्या मालूम चलता है नहीं चलता, वही बोलते हैं कि सर्वे डाउन चल रहा नहीं चल रहा। अपने को क्या मालूम, अब हमको क्या मालूम कि सर्वे डाउन चल रहा कि नहीं चल रहा। वो बताते कि सर्वे डाउन ये खाद के लिए आए हैं। आवश्यकता मतलब कम से कम एक बीघे में 2 बोरी चाहिए, 2 बार खाद डालते हैं। पोषक गेहूँ के में मतलब 2 बार खाद डलता है, एक बीघे में 2 बोरी। अब उसमें से मात्र एक पावती के ऊपर दे रहे हैं। अब ये भी ये 20 बीघे की हो, 10 बीघे की हो, ये 2 बीघे की हो, चार तो इसमें 4 मिल रही है। प्राइवेट खरीदना पड़ रही है तो प्राइवेट भी कहाँ मिल रही है? प्राइवेट में भी इतनी दे रहे हैं ना? नहीं, प्राइवेट दे रहे तो 500 700 रुपये। यहाँ पे कितने मिलते हैं? यहाँ पे 266 ऐसा कुछ है। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर है। बहुत से लोग जो डिफॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने हुए अपने जिले में 11 वहाँ से लेना है। और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है, 27,000 करीब वितरण हो गया है और बोनी भी हमारे जिले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। उज्जैन कलेक्टर का कहना है कि यूरिया की कमी उज्जैन जिले में नहीं है। शासन के सख्त निर्देश है कि सोसाइटी के सदस्यों को ही यूरिया खाद दी जाए। डिफॉल्टरों और अन्य किसानों के लिए जिले में 11 केंद्रों से नगद राशि देकर ही यूरिया खरीदना है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।